कब आएगा अपना टाइम जब बैठेंगे यार दोस्त खुली हवा में पार्क की बेंच पर। भाई पता नहीं अपना टाइम तो कब आएगा, फिलहाल देखते हैं हमारा अगला शो अपना टाइम भी आएगा। शायद यहाँ किसी का टाइम जरूर आया है। अनीशा को पैनिक अटैक आया है। बेगम, पापा हाथ और पैर मलिए प्लीज, मैं किट ले आ रहा हूँ अपनी। उसे कोई प्यार नहीं कर, सब हमारे खिलाफ। सीटीवी के सीरियल अपना टाइम भी आएगा में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ रानीसा की तबीयत खराब हो गई है। करो ना रानीसा, पानी पी लीजिए। बीपी बहुत लो हो गई है, रेफिड्रिन देना होगा। विक्रम, कमरे में स्टडी टेबल के अंदर एक शीशी रखी होगी, रेफिड्रिन लिखा होगा उसमें, वो ले आइए जल्दी से। कम ऑन भाई, मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना। गुड दवाई। थैंक यू। और रानीसा ने अपना इलाज करवाने से भी मना कर दिया है। हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। राजेश्वरी क्या कह रही हो तुम? रानीसा प्लीज, टाइम पर डोज एडमिनिस्टर नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप कुमा में भी जा सकती है रानीसा प्लीज। असल में रानीसा चाहती है कि जयसिंह और नंदिनी की शादी हो जाए। रानीसा मेरी बात सुनिए, जितनी शिद्दत से मैं शादी को रोकना चाहता हूँ उतनी शिद्दत से आप इसे होते हुए देखना चाहती, लेकिन ये वक्त जिद का नहीं है रानीसा प्लीज। नंदिनी की शादी होगी। और ये शादी आज और अभी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ वीर और रानी ये नहीं चाहते कि नंदिनी जय सिंह से शादी करे, क्योंकि जय सिंह अच्छा इंसान नहीं है। नंदिनी तू पागल हो गई है क्या? अरे इमोशनल फूल मत बन। अगर हम हमारी मॉम के बारे में सोच रहे हैं तो हम इमोशनल फूल हो गए। हाँ नंदिनी दीदी, ऐसा ना ही है। पर अभी नहीं, नहीं सब प्लीज इंजेक्शन लगवा लीजिए। उनके साथ बैठिए प्लीज। सब ड्रामे के बीच नंदिनी शादी के लिए हाँ कर देती है। ऐसे में वीर नंदिनी को शादी ना करने के लिए मनाने की बेहद कोशिश करता है। मैं जानता हूँ आप अनीसा के लिए परेशान हैं। आप चाहती हैं कि वो ठीक रहे, उन्हें खुश देखना चाहती हैं, सही सलामत देखना चाहती हैं। पर ट्रस्ट मी, हम सब यही चाहते हैं, लेकिन जो रास्ता आप चुन रही है ना वो गलत है नंदिनी, ये जयसिंह गलत है। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं नंदिनी दीदी, आपको रानीसा को समझाना चाहिए, उनकी जिद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब देखना होगा क्या है नंदिनी का फैसला और क्या होती है जयसिंह और नंदिनी की शादी। आज तक ब्यूरो। हम समझते हैं भाई आपके प्यार को, आपकी फिक्र को, लेकिन सच कहें तो हम आपकी जिम्मेदारी नहीं है भाई।